हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। रिपीट करते रहिए। आज मैं नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, मॉलिकुलर जेनेटिक्स के बाद मेंडेलियन या फिर इवोल्यूशन है सेकंड यूनिट में। लेकिन आपके एग्जाम में जो कि आ रहा है, ये अगले जो टेस्ट है उसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ आ रहा है, मेंडेलियन जेनेटिक्स अभी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। तो इसलिए इसको पहले कवर करा देता हूँ मैं, फिर मॉलिकुलर जेनेटिक्स शुरू करेंगे। एक्चुअल में ये चैप्टर इंटरेस्टिंग भी है काफ़ी, हमारी बॉडी के बारे में जानने को मिलेगा, डिजीजेज के बारे में जानने को मिलेगा, डिफरेंट टाइप्स के टर्म्स इसमें नए नए मिलेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो आपकी फ्यूचर में डॉक्टर बनेंगे, ऑब्वियसली भगवान करे सब कोई डॉक्टर बने, सबसे ज़्यादा डॉक्टरों की कमी है इस इंडिया में। तो वहाँ पे यही एक चैप्टर है जो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज होगा। वहाँ कोई मेंडेलियन मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स नहीं आएगा, वहाँ कोई नहीं आएगा कि हमारी फैमिली में एक नाटा है तो अगला लंबा होगा कि नाटा होगा, नहीं, हमारे फैमिली में यह डिजीज है अगले को क्या होगा। ये सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये चैप्टर। एक्चुअल में हमारे अगर देखा जाए तो हमारे बॉडी में टोटल जो 12 सिस्टम है उसमें इम्यून सिस्टम एक आता है, इम्यून सिस्टम है एक तरह से, वो इस चैप्टर में फुल मतलब एक्सप्लेंड है इसमें, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, पहले तो इसको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं कि है क्या ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। चूँकि हर आदमी के माउथ से यह एक सुनने को चीज़ें मिलती है कि आई एम हेल्दी, आई वॉन्ट टू बिकम ए हेल्दी। भाई हेल्दी का ये मतलब नहीं है कि हम मोटे हो गए, 70 किलो एक क्विंटल के हो गए, 80 किलो के हो गए, 90 किलो के हम हेल्दी हैं, नहीं। एक दुबला पतला आदमी है वो भी हेल्दी हो सकता है, एक बहुत मोटा आदमी है वो भी हेल्दी हो सकता है, एक मीडियम है वो भी हेल्दी हो सकता है, ये भी हो सकता है तीनों में से कोई हेल्दी ना हो। कई तरह से ह्यूमन हेल्थ को, भाई कोई फिजिकली फिट है तो वो बोल रहा है कि हम हेल्दी हैं, कोई बहुत ज़्यादा वाइज है तो वो बोल रहा है कि हेल्दी है। इसीलिए इन सबों को मतलब ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक अलग ही हेल्थ के डिफिनेशन दिया हुआ भी है, एनसीएलटी में आपके पढ़िएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह कहा कि हेल्थ इज डिफाइंड एज अ कंप्लीट, ये बोला जाता है कि इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। कंप्लीट क्या क्या कंप्लीट होना चाहिए? तो फिजिकल, दूसरा क्या होना चाहिए? मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब आदमी क्या होना चाहिए? फिजिकली भी फिट होना चाहिए, मेंटली भी होना चाहिए, सोशली भी होना चाहिए। अगर फिजिकली फिट है, कोई डिजीज़ नहीं है, सब कुछ सही है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, लेकिन भाग दौड़ के क्या कर रहा है, पता चला किसी का गला काट दिया, किसी का मर्डर कर दिया, किसी का पॉकेट मार लिया, मेंटली सही नहीं है वो, दैट आर ए डिजीज्ड पर्सन। साइको का शिकार होते हैं कई लोग। दोनों सही है, फिजिकल भी सही है, मेंटल भी सही है, पता चला सामाजिक रूप से क्रिमिनल है या किसी को बहुत ज़्यादा मतलब वो नुकसान पहुंचाने वाला है, दैट आर नॉट हेल्दी। तो तीनों तरीके से हेल्दी होना चाहिए, सोशल भी, फिजिकल भी होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली भी होना चाहिए और सामाजिक रूप से भी सही होना चाहिए, देन ही इज कॉल्ड हेल्दी। तो हेल्थ की ये कंप्लीट डिफिनेशन दी गई। अब अगर ये बोला जाता है कि इन तीनों में से कोई एक भी मतलब क्या कह सकते हैं, एबनॉर्मल है या एक भी तरीके से वो इनकम्प्लीट है, तो हम उसको ये बोल सकते हैं ही सफर फ्रॉम अ डिजीज़। तो डिजीज़ का भी इसी तरह से डिफिनेशन दिया गया है, डिस प्लस इज अनकम्फर्ट, डिस मीन्स अनकम्फर्ट, इज मीन्स फील। व्हेन वी फील अनकम्फर्टली अबाउट एनी फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, देन वी सफर फ्रॉम डिजीजेस। तो ये बोला जाता है इस चैप्टर में, पूरा यही है, इसलिए मैंने बोला कि इंटरेस्टिंग है कि इसमें हम एक तरह से कंप्लीट अपने बारे में, हमारी मतलब एक तरह से पब्लिक के बारे में हर तरह से इसमें नॉलेज मिलेंगे, इसलिए बोलते हैं। तो ये बोला जाता है डिजीज का, व्हेन वी फील अनकम्फर्ट अबाउट या अनकम्फर्ट टुवर्ड्स फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, देन वी सफर फ्रॉम एनी डिजीजेज। भाई फिजिकली क्या फिट है, भाई हमें चलने में, बैठने में, उठने में, बोलने में प्रॉब्लम है, हेडेक है, फीवर है, स्टमक पेन है, कई कंडीशंस हो गए, फिजिकली फिट नहीं है। मेंटली में हो गए कि हमें कोई साइकेट्रिक है, पता चला कि हमें किसी न किसी चीज़ को लेकर के हमारी साइको बनी हुई है, हम मेंटली हैं, मेंटली मतलब मेंटली डिजीज्ड है। ये भी हो सकता है कि समाज में हमारी
ऐसी इमेज बन गई है कि हम समाज में जल्दी किसी को मुंह नहीं दिखा सकते, किसी के सामने बैठ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, वी सफर फ्रॉम डिबीज। हमें इससे छुटकारा पाना है। आगे बताएंगे कि कैसे कैसे हम इस चीज़ों से बच सकते हैं, क्या क्या करेंगे तो डिजीज से हम बच सकते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि ह्यूमन डिजीज को कितनी कैटेगरीज में बांटा गया है। चूँकि ह्यूमन डिजीज है तो इसमें तो डिफ्रेंशिएट या इसका एक तरह से क्लासिफिकेशन, कितने तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। उसके बाद इसको पढ़ेंगे कि कैसे हम इसको से बच सकते हैं, क्या क्या करें कि हमें ये इन चीज़ों से छुटकारा मिल जाए। तो ये बोलते हैं कि ह्यूमन डिजीज जो है, ह्यूमन डिजीज ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज। एज यू नो, आप सभी भी जानते हैं, वो डिजीज़ जो हमारे में जन्मजात होती है या जन्म से होती है, दैट डिजीजेज आर कॉल्ड कंजेनाइटल डिजीज, कंजेनाइटल डिजीज, या इसी को हम बोलते हैं जेनेटिक डिजीज। ये क्या होती है? जेनेटिक होती है। एक चीज ध्यान रहे, जनरली या ये कह लो 99.99% जेनेटिक डिजीजेज आर इनक्यूरेबल। इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं होता है। एक ही इलाज है कि अब जो डिजीज है उसको हम कैसे प्रिवेंट करके रोकें या उसके साथ अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे सेट करें, तब तो हम इसके साथ जी सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं जी सकते, प्रॉब्लम आएगी हमारे लिए बहुत ज़्यादा। दूसरा कंडीशन, दूसरा क्या होता है, ये जन्म के साथ मिलती है और दूसरी जन्म के बाद मिलती है। ध्यान रखना, ये जन्म के साथ भी पड़े होंगे, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी वही हाल है। तो ये जन्म के साथ होती है और ये जन्म के बाद होती है, तो उसको बोलते हैं एक्वायर्ड, अचीव ड्यूरिंग लाइफ टाइम। हम किसी से ले लिए, कहीं से गिफ्ट में मिल गया डिजीज हमें, कैसे गिफ्ट में मिल गया, पता चला कि किसी को, अगर अभी जैसे कोरोना चल रहा है क्या हो जाएगा, एक्वायर्ड है, किसी से गए सेकंड किया, पता चला कि उसमें ड्रॉपलेट इन्फेक्शन लगा था, हमें डिजीज हो गई। किसी को चिकन पॉक्स है, उसके साथ गए बैठ गए, उसके क्लॉथ यूज कर लिए, हैंडकरचीफ यूज कर लिए, हमारे में आ गई। तो अब जो हमें ज़िंदगी में मिलती है डिजीजेज या जन्म के बाद हमारे में आती है, उसको बोलते हैं हम एक्वायर्ड डिजीजेज। अब एक्वायर्ड जो होती है इनको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। कंजेनाइटल की तो कई टाइप्स है, हालांकि मैंने बता दिया था कंजेनाइटल की टाइप्स, अभी बताया ही था, मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब यहाँ उसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको डिस्क्राइब करना भी वो नहीं रहेगा। हम लोग इसमें जितना ही पढ़ेंगे वो एक्वायर्ड पढ़ेंगे, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब एक्वायर्ड देखो दो तरीके की होती है, वो जो इन्फेक्शन करती है या इन्फेक्शन से फैलती है, तो उसको बोलते हैं इन्फेक्टेड या इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल, इसको बोलते हैं हम कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल, ठीक है, कम्युनिकेबल। और दूसरी जो होती है वो होती है नॉन कम्युनिकेबल, नॉन, मतलब ये क्या होता है कि एक से दूसरी आदमी में फैलेगी, तो फैलेगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन्फेक्शियस। ये नहीं फैलेगी तो क्या बोलेंगे इसको, नॉन इन्फेक्शियस। जैसे किसी को डायबिटीज है, वो एक से दूसरे आदमी में फैल नहीं सकता, कैंसर है फैल नहीं सकता, एलर्जी है फैल नहीं सकता, तो वो नॉन कम्युनिकेबल है। अब कम्युनिकेबल जो फैलने वाली डिजीज है, इसकी भी दो कैटेगरी है, एक वो जो डायरेक्ट कंटेक्ट से होती है उसको बोलते हैं कंटेजियस, कंटेजियस, ये क्या होगा, थ्रू डायरेक्ट कंटेक्ट, किसी से सेकंड किया, जैसे वो भी बता रहे थे कोरोना हो गया, कॉमन कोल्ड हो गए, चिकन पॉक्स हो गया, ये सब क्या होती है, कंटेजियस होती है, डायरेक्ट कंटेक्ट से फैलती है। और दूसरी नॉन कंटेजियस, नॉन कंटेजियस, नॉन कंटेजियस क्या होगा, फैलेगी लेकिन कोई ना कोई एजेंट के थ्रू फैलेगी, थ्रू कॉज या स्प्रेड थ्रू एजेंट, थ्रू कॉजिंग एजेंट, थ्रू
कॉजिंग एजेंट, कोई ना कोई कॉजिंग एजेंट होगा इसमें। क्या हो सकता है कॉजिंग एजेंट? हो सकता है कोई इंसेक्ट हो सकता है कोई माइक्रोब हो सकता है कोई मॉस्किटो हो सकता है कंटेमिनेटेड फूड और वाटर हो, तो कोई ना कोई कॉजिंग एजेंट होता है। अब नॉन कम्युनिकेबल है, इसमें देखो कौन कौन से हैं। नॉन कम्युनिकेबल में क्या क्या हो सकता है? तो एक हो सकता है डिफिशियंसी, हमारी बॉडी में किसी न किसी चीज़ की कमी हो, तो यह क्या हो सकता है हमारे में? डिफिशियंसी डिजीज हो सकती है। हो सकता है हमारे बॉडी के ऑर्गन काम करना बंद करने लगे हों, तो उसको बोलते हैं डीजेनरेटिव डिफिशियंसी हो गया, डीजेनरेटिव हो गया। एलर्जिक के बाद मेंटल हो सकता है, एलर्जिक मेंटल, और कौन कौन हो सकता है इसके अलावा? हो सकता है कैंसर और एडिक्शन। क्या क्या हो सकता है? तो कैंसर और एडिक्शन, जगह कम है थोड़ा यहाँ, कैंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा, एडिक्शन इतनी होती है इसमें। अब एक एक को एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा सा है क्या। कंजेनाइटल तो बता दिए, ये जन्मजात है, या तो जीन की गड़बड़ी से होगी या तो क्रोमोसोम की गड़बड़ी से होगी, ठीक है। एक्वायर्ड जो होगी, अब कम्युनिकेबल यानी ये एक से दूसरे पर्सन में फैलेगा, ये एक से दूसरे पर्सन में नहीं फैलेगा, नॉन कम्युनिकेबल। कंटेजियस में अभी हमने बताया था कि डायरेक्ट कंटेक्ट, जैसे HIV है डायरेक्ट कंटेक्ट से होता है, हेपेटाइटिस बी डायरेक्ट कंटेक्ट से होता है, फ्लू हो गए, सार्स हो गए, जो भी अभी जैसे बता रहे थे कोरोना हो गए, ये क्या है? थ्रू डायरेक्ट कंटेक्ट, टच के थ्रू हो सकता है कंटेक्ट उसका, हो सके हम कोई यूटेंसिल्स यूज कर दें, इवन ये क्या कहते हैं एस्पेक्स भी यूज करने से हो सकता है। हो सकता है हमारे में अगर कोई वायरल डिजीज है, वो वायरल डिजीज है हमारे में अगर है, हमने इसको अगर होल्ड किया हुआ है या दूसरे को देंगे हमारे हाथ में, अगर वो वायरस है तो उसमें भी स्प्रेड हो जाएगा। ये कंटेजियस में आते हैं, डायरेक्ट कंटेक्ट के थ्रू फैलते हैं। अब इसमें कोई ना कोई एजेंट आएगा, वो एजेंट क्या हो सकता है? तो वो एजेंट पैथोजेंस हो सकते हैं, हो सकता है बैक्टीरिया हो सकता है वायरस हो, ये भी हो सकता है कोई मॉस्किटो हो, जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, या क्या कहते हैं और भी हैं, चिकनगुनिया हो गया, ये कई सारे हैं जो किसी न किसी एजेंट के थ्रू फैलते हैं। ये एजेंट के रूप में कंटामिनेटेड फूड और वाटर भी आता है, क्योंकि कंटामिनेटेड फूड और, क्योंकि चार कैटेगरी है, फूड बोर्न, एयर बोर्न, और कौन है, वाटर बोर्न और डायरेक्ट कंटेक्ट। तो डायरेक्ट कंटेक्ट वाले तो ये हो गए, फूड बोर्न भी एजेंट हो गया, जैसे अमीबियसिस है कंटामिनेटेड फूड और वाटर से हो रहा है, अमीबियसिस के अलावा कॉलरा हो गया, ये सब क्या होते हैं, कोई ना कोई फूड बोर्न, एयर बोर्न होते हैं कई सारे, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया एयर बोर्न होता है, कोई टीबी का पेशेंट है अगर खांस रहा है छींक रहा है तो वो पास में जो है उसमें ट्रांसमिट हो जाता है, एयर बोर्न हो गए। वाटर बोर्न हो गए, टाइफाइड हो गया, वाटर बोर्न डिजीज, तो कोई ना कोई इसमें एजेंट आएगा। अब इसमें देखते हैं डिफिशियंसी में ये होता है, जैसे हमारे बॉडी में मान लो विटामिन ए की कमी है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाए, तो ये क्या हुआ? डिफिशियंसी है। हमारे में इंसुलिन की कमी हो गई, हालांकि इंसुलिन अगर देखा जाए, लेकिन इंसुलिन तो बच्चों में भी हो जाता है, डिफिशियंसी में ही आएगा, वो भी डिफिशियंसी है, इंसुलिन की कमी का कारण होता है। इसके अलावा प्रोटीन की कमी से क्वासी होकर हो गए, मैरेस्मस प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से, न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है हमारे में, विटामिन्स मिनरल्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन इसकी कमी हो सकती है। हो सकता है हमारे बॉडी में कोई एसेंशियल चीज़ हो उसकी कमी हो जाए, मतलब किसी न किसी चीज़ की डिफिशियंसी से होता है ये। डीजेनरेटिव में क्या होता है कि हमारे बॉडी ऑर्गेन, ये एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये एज फैक्टर में आता है ये डीजेनरेटिव, जैसे ओल्ड एज हो गए, ओल्ड एज में हो गए हमारे जॉइंट्स के जो हैं वो लिगामेंट धीरे धीरे क्या हो गए? वीक हो गए। अब इसमें जो जॉइंट में जैसे अर्थराइटिस हो गया, या फिर ये भी हो सकता है कि हमारे मसल्स का मूवमेंट हो गया, ये धीरे धीरे न्यूरोडीजेनरेटिव होता है, हमारी कई सारी मतलब डेंड्रॉन डेंड्राइट्स धीरे धीरे डीजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं। ओल्ड एज में जनरली ये होता है, डीजेनरेटिव डिजीजेज जनरली ओल्ड एज में होता है, हमारी बॉडी धीरे धीरे काम करते करते
थक जाते हैं या उनमें डीजनरेशन होने लगता है, हार्ट प्रॉब्लम आने लगता है, किडनी प्रॉब्लम आने लगता है, प्रोस्टेट मेल में होता है प्रोस्टेटाइटिस, इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, अभी ओल्ड एज का ही फैक्टर है ये, कई में होता है, फीमेल्स में भी ऐसे कई डिजीजेज हैं, यूट्रस में प्रॉब्लम आने लगता है धीरे धीरे, ये डीजनरेटिव डिजीजेज में आते हैं। एलर्जिक, एज यू नो एलर्जेंस, ये जनरली किसी न किसी, हमारी बॉडी किसी न किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के खिलाफ बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाती है। एलर्जी को हम अदर लैंग्वेज में हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। एलर्जी जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी, यानी कि हमारी बॉडी क्या हो गई, किसी न किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के खिलाफ बहुत हाईली रिएक्टिव हो गई। अगर वो सब्सट्रेट हमारी बॉडी के कंटेक्ट में आएगा तो हमारी बॉडी एबनॉर्मल रिएक्शन शो करेगी, दैट एबनॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी। हर आदमी को किसी न किसी चीज़ से एलर्जी होता है, किसी को डस्ट से है, किसी को सनलाइट से है, किसी को क्या कहते हैं, कोई ना कोई टैलकम पाउडर से है, किसी न किसी चीज़ से हमारे बॉडी को एलर्जी। कई लोगों को तो मिल्क से, घी से, दूध से, मतलब दही से, कई चीज़ों से एलर्जी होती है, खाने वाली चीज़ों से भी एलर्जी होती है। कई लोगों को कद्दू की सब्ज़ी नहीं खाते हैं, कद्दू की सब्ज़ी से या फिर अरवी की सब्ज़ी खाने से भी एलर्जी होती है, तो एलर्जी का कोई वो नहीं है, एलर्जेंस कुछ भी हो सकते हैं। मैंने बताया था उसमें सेकंड चैप्टर में पढ़े होंगे पार्थेनियम, पार्थेनियम से एलर्जिक होता है। इसके अलावा बबूल का जो फ्लावर होता है, छोटे छोटे पीले पीले कलर का होता है, वो भी एलर्जेंस का काम करता है, नाक में हमारे अगर चले गए तो एलर्जी कॉज कर देता है, तो इसका फिक्स नहीं है। अच्छा ध्यान ये भी रहे कि एलर्जी का कोई इलाज भी नहीं है, इसका बस एक ही इलाज है, एलर्जेंस, एलर्जी कॉजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड एलर्जेंस। तो इसका एक ही इलाज है कि जो एलर्जेंस है उससे आप बचिए। अगर एलर्जेंस से बच रहे हैं तब तो आप इलाज कर रहे हैं, अगर नहीं बच रहे हैं एलर्जेंस से तो आप एलर्जी का इलाज नहीं कर रहे हैं, या फिर डिजीज हो कहीं रहेंगे। पड़े होंगे जैसे ना स्नीजिंग, कफिंग, कई लोगों का होता है ना इसनोफीलिया, इसनोफीलिया होता है एलर्जिक प्रॉब्लम है इसनोफीलिया। अब कई होते हैं जो सीजनल मरीज होते हैं, विंटर सीजन शुरू होगा, उनका छींकना खांसना, नाक से पानी गिरना शुरू हो जाएगा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा, ड्रॉपलेट नाक से पानी गिरना, वो जब विंटर सीजन पूरा चलेगा, वो चार महीने चलेगा उनका, पाँच महीने फिर बंद होगा, वो क्या है, सीजनल है। कुछ टेम्प्रोरी होते हैं जैसे अचानक बारिश में भीग गए या अचानक कोल्ड हो गया, वो टेम्प्रोरी एलर्जी है। कुछ परमानेंट होते हैं, साल भर चलता है ये, इसनोफीलिया कभी परमानेंट इलाज नहीं होता जल्दी। अगर एक बार इसनोफीलिया टेम्प्रोरी है तब तो छूट जाएगा, वो भी क्योर हो जाएगा, सीजनल है क्योर हो जाएगा, लेकिन अगर परमानेंट है तो उसका कोई क्योर नहीं है एलर्जी का भाई। एक ही क्योर है कि आप अपना एलर्जिक टेस्ट कराएं, जिस सबस्ट्रेट से एलर्जी है उससे बच कराएं, बाकी कोई उपाय नहीं है एलर्जी का। एलर्जी के बाद मेंटल, एज यू नो, अच्छा मेंटल, डोंट अंडरस्टूड इट, मेंटल मीन्स पागल, कई कैटेगरी होती है इनकी, वो भी बताएंगे मेंटल में थोड़ा सा आगे जब डिस्कस करेंगे। तो मेंटल एक तरह से साइकिक प्रॉब्लम होती है ये। साइकिक प्रॉब्लम क्या हो गई, तो साइकिक प्रॉब्लम ये हो गई, कई लोगों को ये होता है कि ना भाई यहाँ ऐसे करेंगे तो ये ऐसे हो सकता है, वो आदमी नहीं कर सकता, तो वो मेंटल होते हैं। कई ऐसे होते हैं ना जी हम तो यही करेंगे, दूसरा तो कर नहीं सकते, मेंटल में आते हैं ये। मेंटल का मतलब ये नहीं है कि वो कंप्लीट पागल, नॉर्मल आदमी है, अगर वो साइकिक है किसी चीज़ के खिलाफ, वो ऐसे लगा हुआ है कि ना भाई यही सही है, दैट इज़ कॉल्ड मेंटल। भले वो गलत है लेकिन उसकी तरफ से वही सही लगेगा, वो मेंटल होते हैं, उसका कोई इलाज नहीं होता, ध्यान रहे। साइकेट्रिस्ट के पास ले जाएं, हो सकता है कुछ हो उनको, दिमाग के मोल्ड कर सके, कुछ घुमा सके, कोई मेडिसिन नहीं होती है। एलर्जी की हो भी सकती है, एलर्जी का भी क्या मेडिसिन है इसमें, तो मेनली हमारी बॉडी की जो हाइपर सेंसिटिविटी है उसको सप्रेस करते हैं, एलर्जी मतलब जो हमारी रिएक्टिविटी है बॉडी की उसको सप्रेस करते हैं। और एडिक्शन, एडिक्शन तो जनरली ड्रग्स का होता है, हालांकि एडिक्शन ड्रग्स ही नहीं होता है, कई लोगों कई चीज़ों के एडिक्ट होते हैं। अब एडिक्शन को ऐसे भी ले सकते हैं, ड्रग्स तो हैं ही, जैसे हेरोइन, चरस, अफिंग, भांग, मैरिजुएना, गांजा, कई सारे हैं एडिक्शन, अल्कोहल। इसके अलावा एडिक्शन में मैंने ये भी देखा हुआ है कि कई लोगों को पेट्रोल सूंघने की एडिक्शन होती है, वो पेट्रोल सूंघते रहते हैं, एडिक्शन है, केरोसिन ऑयल सूंघते रहते हैं, एडिक्शन है ये। तो कई इवन एस्प्रिट, एस्प्रिट जो नेल पॉलिश में डाला जाता है या नेल रिमूवर में आता है, वो नेल पॉलिश रिमूवर आता है उसमें एस्प्रिट होता है, उसको लेकर के लोग स्मेल करते रहते हैं, एडिक्शन में आता है। किसी पर्टिकुलर मतलब थिंग्स के तरफ हमारी बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्शन को एडिक्शन कहते हैं। अगर वो सब्सट्रेट ना मिले तो हमारी बॉडी एबनॉर्मल फिनोमिनॉन शो करने लगे, देन इट इज़ कॉल्ड एडिक्शन। अगर कोई वाइन ले रहा है, जब उसको वाइन ना मिले और वो एब नॉर्मल हो जाए तो समझो एडिक्ट हो गया है।
कोई पर्टिकुलर ड्रग्स ले रहा है, अगर वो ड्रग्स उसको टाइम पे ना मिले, एब नॉर्मल शो करने लगे, तो वो एडिक्ट हो गया है। एडिक्शन का भी बहुत मुश्किल से इलाज होता है, इसकी भी दवा नहीं होती है। अगर ड्रग एडिक्ट है तब तो उसको लो पावर का ड्रग्स देते 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 काफ़ी टाइम लगता है, 6 महीने 1 साल 2 साल हो सकता है, 5 साल लग जाए, तब जाकर ये रिमूव होता है, अदरवाइज जल्दी एडिक्शन ख़त्म नहीं होता। तो ये नॉन कम्युनिकेबल है। हालांकि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कम्युनिकेबल का तो हम मेडिसिन से इलाज आसानी से कर सकते हैं, खतरनाक ज़्यादा नॉन कम्युनिकेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जल्दी इलाज नहीं होता। अब भाई एडिक्शन का सोचते रहो, इलाज क्या करेंगे? फीवर हो आपको, वायरल हो, कॉमन कोल्ड हो, इलाज करेंगे, एक हफ्ते में सही हो जाएंगे। एडिक्शन का कभी एक हफ्ते में सही नहीं होगा। तो एक ब्रीफ था ये ह्यूमन हेल्थ और ह्यूमन डिजीजेस थे कि इतने तरह के होते हैं। अब डिजीज से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं उसको बता देते हैं ताकि वो आगे चल के आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। कई बार पूछ देते हैं या समझ में नहीं आता है कि ये क्या टर्म है क्या नहीं है, ये सारा मैं नोट्स में लिख दिया हूँ, आपको मिल जाएंगे। वो मैं PDF फाइल बना करके इसकी अपलोड कर दूँगा। इसमें कुछ टर्म्स हैं। अब टर्म्स में देखो कहाँ से शुरुआत करते हैं। जैसे अभी हमने बताया था कि इस चैप्टर में हम अपनी बॉडी की एक सिस्टम का भी स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड इम्यून सिस्टम। उससे रिलेटेड कुछ बात करते हैं। एक्चुअल में हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम होती है उसको डिफेंस सिस्टम भी बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। एक टर्म्स आता है एंटीजन, कई बार पूछा जाता है। हालांकि जब मैं ब्लड ग्रुप पढ़ा रहा था तो ब्लड ग्रुप में मैंने बताया था कि हमारे ब्लड में जैसे ए एंटीजन होता है, इसके ऊपर स्मॉल बी एंटीबॉडी होती है। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड कि हमारे ब्लड वाले एंटीजन नहीं। एंटीजन्स को यह बोला जाता है कि ऑल दोज फॉरेन पार्टिकल्स, मैं एक बार लिख देता हूँ, ऑल दोज फॉरेन पार्टिकल्स, ऑल दोज फॉरेन पार्टिकल्स, all those foreign particles that cause any abnormalities, that cause any abnormalities or diseases आर कॉल्ड एंटीजन्स। ये बोला जाता है कि वो सारे फॉरेन पार्टिकल्स, ध्यान रहे फॉरेन पार्टिकल्स में अब क्या क्या आ सकता है ये देखते हैं। फॉरेन पार्टिकल्स में ये भी हो सकता है कि कोई पैथोजन आ जाए। क्या क्या हो सकता है फॉरेन पार्टिकल्स में ये देखते हैं। फॉरेन पार्टिकल्स में क्या क्या हो सकता है? तो फॉरेन पार्टिकल्स में क्या हो सकते हैं? माइक्रोब्स हो सकते हैं। अब माइक्रोब्स में चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे फंजाई हो, चाहे वायरस हो, चाहे माइकोप्लाज्मा हो, चाहे रिकेट्सिया हो, चाहे क्लेमाइडी हो, चाहे सम क्या कहते हैं प्रोटोजोन्स हो, या कोई वो दोज माइक्रोब्स दैट कॉज एनी डिजीजेज इन आवर बॉडी आर आल्सो इंक्लूडेड अंडर एंटीजन्स। वो माइक्रोब जो हमारे बॉडी में आकर के कोई ना कोई डिजीज पैदा करते हैं उसको हम अनदर लैंग्वेज में पैथोजन बोलते हैं। माइक्रोब्स को क्या बोलते हैं अनदर लैंग्वेज में? पैथोजेंस। तो पैथोजेंस आर आल्सो इंक्लूडेड अंडर एंटीजेंस। तो क्या हो सकता है फॉरेन पार्टिकल्स में? माइक्रोब्स हो सकता है। ठीक, दूसरा क्या हो सकता है फॉरेन पार्टिकल्स में? दूसरा फॉरेन पार्टिकल्स में हमारे बॉडी में एलर्जेंस हो सकते हैं। एलर्जेंस हो सकते हैं। एलर्जेंस के रूप में क्या हो सकता है? कोई डस्ट पार्टिकल आ गया, इसनोफेलिया टेम्पोरली कॉज कर दिया, पोलन ग्रेन्स चले गए, डिजीज कॉज कर दिए। एंटीजन्स में आते हैं ये भी, ये कोई ना कोई डिजीज ही, जैसे एलर्जी डिजीज या डिजीज कॉज करते हैं। ये हो सक क्या हो सकते हैं फॉरेन पार्टिकल्स में? केमिकल हो सकते हैं, कई ऐसे केमिकल है जिससे हमारे बॉडी में डिजीज होता है। या जैसे जो म्यूटाजेंस होते हैं वो भी हमारे बॉडी में कोई ना कोई डिजीज कॉज करते हैं। जैसे MIC मिथाइल आइसोसाइनेट है, हमारी पूरी की पूरी बॉडी में मतलब DNA में क्या हो गया था? म्यूटेशन हो गया था। तो वो केमिकल जो कोई ना कोई डिजीज आकर के बॉडी में हमारे कॉज करें, दैट आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर फॉरेन पार्टिकल्स और एंटीजन्स। और क्या हो सकते हैं एंटीजन्स में? माइक्रोब्स हो सकता है, एलर्जेंस हो सकते हैं, केमिकल्स हो सकता है। केमिकल्स के अलावा
एंटीजन्स के, हालांकि अगर देखा जाए लेकिन एंटीजन्स उसको नहीं बोलते हैं, रेज होते हैं, एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, जिससे हमारी बॉडी में म्यूटेशन या कैंसर जैसे डिजीजेज होते हैं, हम एंटीजन्स नहीं कह सकते हैं उनको, कोई ना कोई रेज है। ये रेज को अनदर लैंग्वेज में हम रेज ही बोल सकते हैं और क्या, कोई एंटीजन एंटीजन की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। एंटीजन जनरली कोई ना कोई पार्टिकल्स होते हैं, ये जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में आकर के कोई ना कोई डिजीजेज कॉज करते हैं, इनको एंटीजन्स बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑल दोज फॉरेन पार्टिकल्स दैट कॉज एनी डिजीजेज और एनी एबनॉर्मेलिटीज इन आवर बॉडी आर कॉल्ड एंटीजन्स। अब क्या होता है कि इस एंटीजन्स को किल करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, डिजनरेट करने के लिए या हमारी बॉडी से रिमूव करने के लिए एक प्रोटीनेशियस केमिकल बनता है, दैट प्रोटीनेशियस केमिकल्स आर कॉल्ड एंटीबॉडी। मतलब एक तरह से एंटीजन्स के रूप में दूसरे देश का मिसाइल आया। अभी ये मिसाइल अगर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इस मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए इंडिया ने एक दूसरा मिसाइल इधर से लॉन्च कर दिया जो इससे ज़्यादा हेवी है। अब क्या होगा कि ये मिसाइल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हमारी कंट्री बच जाएगी। तो जो इधर से मिसाइल छोड़ा इंडिया ने, ये क्या हुआ, एंटीबॉडी हुआ। ध्यान रहे, जिस लेवल का ये आएगा उसी लेवल का एंटीबॉडी रिलीज किया जाएगा। तो हमारे बॉडी में अगर कोई पार्टिकल्स आ रहे हैं तो एंटीजन्स है, उसको मारने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारी बॉडी ने जो मिसाइल के रूप में जिस केमिकल को रिलीज किया, दैट आर कॉल्ड एंटीबॉडी। तो ये बोला जाता है कि वेन एनी एंटीजन्स एंटर्ड इन आवर बॉडी, देन आवर बॉडी सिंथेसाइज अ पर्टिकुलर केमिकल फॉर पर्टिकुलर एंटीबॉडी दैट डिस्ट्रॉय द एंटीजन्स आर कॉल्ड एंटीबॉडी। अगर पर्टिकुलर एंटीजन है तो उसके खिलाफ पर्टिकुलर एंटीबॉडी ही बनेगा, दूसरा कुछ नहीं बनेगा। तो होता क्या, हमारे बॉडी में मतलब हर सेकंड मिलियन बिलियन ट्रिलियन एंटीजन्स आते रहते हैं, नाक से, एक आँख से, कान से, हर जगह से, जेनेटल स्ट्रक्चर से, हर जगह से एंट्री करते रहते हैं हमारी बॉडी में। इन इन जगह पे लगे हुए हैं डिफेंस सिस्टम, जैसे माउथ से जाएगा सलाइवा किल करेगा, आई से जाएगा टीयर किल करेगा, नाक से घुसेगा म्यूकस किल करेगा, ईयर से जाएगा ईयर वैक्स चिपचिपा होता है वो किल करेगा। हर जगह हमारे बॉडी में डिफेंसिव सिस्टम लगे हुए हैं, वो क्या करेगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा। अगर पता चला हमारी एंटीबॉडी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीजन आ गया, पता चला इसकी एंटीजन जो आया वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ गया, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ गया, अब उस कंपेयर में हमारी एंटीजन क्या पड़ गई, एंटीबॉडी वीक पड़ गई। अब वीक पड़ जाने के कारण क्या हो गया, हमारी एंटीबॉडी इस एंटीजन को मारने में सक्षम नहीं हुई, अभी एंटीजन हमारी बॉडी को इन्वेड कर देगा। जब एंटीजन इन्वेड कर दिया तो हमारी बॉडी क्या हो गई, इल हो गई या बीमार हो गई। ध्यान रखना एक चीज़, फीवर इज़ नॉट ए डिजीज़। जब हमारे बॉडी में एंटीबॉडी से ज़्यादा एंटीजन के नंबर हो जाते हैं, या ये बोला जाता है कि व्हेन नंबर ऑफ एंटीजन इज मोर देन नंबर ऑफ एंटीबॉडी, देन आवर बॉडी रिएक्ट और आवर बॉडीज शो सम फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाइक हाई टेम्परेचर, सीवरिंग, कोल्ड, ये फील होने लगे तो समझो कि कोई ना कोई एंटीजन आ गया है। यानी कि क्या होगा, जब हमारी एंटीबॉडी एंटीजन को मारने में सक्षम नहीं होगी, उस कंडीशन में तुरंत ब्रेन में ऑर्डर जाएगा, ब्रेन क्या करेगा, बॉडी टेम्परेचर हाई कर देगा। अगर एंटीजन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, एंटीजन का नंबर ज़्यादा हो गया, देन एंटीबॉडी का नंबर उसके कंपेयर में एंटीबॉडी कम हो गई या वीक पड़ गई, उस कंडीशन में हमारा हाइपोथैलेमस तुरंत बॉडी टेम्परेचर क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। अभी इस इंक्रीजिंग टेम्परेचर में ये एंटीजन अपनी मल्टीप्लीकेशन, अपनी ग्रोथ को स्लो कर देंगे या रुक जाएगा इनका ग्रोथ धीरे धीरे। यानी कि जब फीवर हो जाता है उस कंडीशन में हमारी बॉडी में एंटीजन का ग्रोथ रुक जाता है और एंटीबॉडी लार्ज स्केल पर डिस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देती है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड फीवर। तो फीवर कोई डिजीज़ नहीं है, एक तरह से ये सिम्टम है, दैट इंडिकेट्स दैट नंबर ऑफ एंटीजन इज मोर देन नंबर ऑफ एंटीबॉडीज। तो ये नंबर ऑफ एंटीजन से नंबर ऑफ एंटीबॉडी
एंटीजन के नंबर एंटीबॉडी के नंबर से ज़्यादा हो गए तो वो फीवर हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, एंटीजन जो होते हैं ये हमारी बॉडी बैलेंस करते रहती है, हमें पता नहीं चलता है हमारी बॉडी में अभी भी एंटीजन जा रहे हैं, हमारी एंटीबॉडी उसको डिस्ट्रॉय कर रही है, हमें पता नहीं चल रहा है। हमारी कई बार ये इस तरह से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाता है, ये आपस में एक दूसरे से निपट लेते हैं हमारी बॉडी को, या हमें कुछ नहीं पता चलता है। एंटीजन आया, एंटीबॉडी ने मारपीट का ख़त्म भी कर दिया, हमें पता भी नहीं चला, हम चाह रहे हैं अपना चल रहे हैं। पता हमें तब चलेगा जब ये एंटीजन एंटीबॉडी पर भारी पड़ेगा। अब जब ये भारी पड़ेगा तब हमारा एंटीबॉडी काम करना बंद कर देगा, फिर हमें फील करेगा नहीं भाई इसको रोको, कोई उपाय लगाओ नहीं तो जाओगे। छोटा बच्चा है, न्यूबॉर्न बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी को हम क्यों बचा के रखते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी की जो एंटीबॉडी है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है। अब एंटीबॉडी कब बनेगी, जब एंटीजन आएगा, जब तक एंटीजन नहीं आएगा तब तक एंटीबॉडी नहीं बनेगी। कंडीशन ये भी फिक्स होता है, हमारी बॉडी तब रिफ्लेक्स एक्शन देती है जब एंटीजन आएगा, अगर एंटीजन नहीं आएगा तो एंटीबॉडी नहीं बनेगी। इसलिए बोला जाता है कि हमें हर बहुत ज़्यादा प्यूरिफाइड क्लाइमेट, बहुत ज़्यादा प्यूरिफाइड इन्वायरमेंट में भी नहीं रहना चाहिए, हल्का फुल्का हमारी बॉडी को नॉर्मल इन्वायरमेंट कंटामिनेशन फेस होना चाहिए। कंटामिनेशन का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाकर के जो सीवर लाइन है वहीं बैठ जाएं आधा घंटा, कंटामिनेशन ले रहा हूँ, कंठपेन ना करें ऐसा। कंटामिनेशन मीन्स हम अपने नॉर्मल इन्वायरमेंट में रहें। अगर किसी आदमी को हरदम, अब तो एसी भी फिल्टर डाल रहे हैं, फिल्टर एसी में रख दो 6 महीना 1 साल, आरओ का प्योरेस्ट पानी पिला दो, वो 6 महीना 1 साल बाद उसकी, 2 साल 4 साल बाद एंटीबॉडी उसकी वीक होने लगेगी, बीमार वो एक दिन नॉर्मल क्लाइमेट में ले जाओ तुरंत बीमार पड़ेगा। हमारी बॉडी को नॉर्मल क्लाइमेट में हम जितना ज़्यादा रखेंगे हमारी बॉडी के एंटीबॉडी उतनी स्ट्रांग होंगे। जितना ज़्यादा हम प्यूरीफाइड रखेंगे, क्योंकि एंटीजन आएगा नहीं, जब एंटीजन नहीं आएगा तो एंटीबॉडी बनेगी नहीं, एंटीबॉडी तब बनेगी जब एंटीजन आएगा, तो हमारे बॉडी में एंटीजन का आना भी ज़रूरी है। तो अब ये भी नहीं है कि इतना ज़्यादा एंटीजन ले लें कि हमारी बॉडी डिजीज हो जाए, नॉर्मल क्लाइमेट में रहें हमारी बॉडी में यह बैलेंस होते रहता है। तो ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होते हैं, ये तब तक, मतलब ये जब तक है तब तक हम लाइव हैं, सर्वाइव हैं। भाई देखते हो गए कि कोई डेड बॉडी है, 24 घंटे के अंदर वो सड़ना स्पॉयल होना 12 घंटे के बाद शुरू हो जाती है, 24 घंटे में स्मेलिंग आने लगता है, आप खा पी करके 24 दिन तक सो जाएं, आप सड़ेंगे नहीं सड़ेंगे, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में एंटीबॉडी काम कर रही है, हमारा डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है, जो भी एंटीजन आ रहे हैं उसको किल कर रहा है। जब बॉडी डेड हो गई तो नाक कान आँख मुँह यहाँ से घुसना शुरू हो जाएंगे एंटीजन, जिंदा है तब तक ये सारी बैरियर लगे हैं, बैरियर काम कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, तो ये हमारी बॉडी की डिफेंस सिस्टम होती है। तो ये एंटीजन और एंटीबॉडी होता है, इनका रिएक्शन इनको आगे भी पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे इनका, किस तरह के एंटीजन और किस तरह के एंटीबॉडी होते हैं। इसके अलावा एक टर्म आता है एंटीजन एंटीबॉडी के अलावा, पैथोजन और इनक्यूबेशन पीरियड। पैथोजन डिजीज कॉजिंग एजेंट को हम क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं। कोई भी अगर डिजीज कॉजिंग एजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, हम पैथोजन बोलेंगे, डिजीज कॉजिंग एजेंट इज कॉल्ड पैथोजन। ठीक, एक पूछा जाता है इनक्यूबेशन पीरियड। एक्चुअल में होता क्या है इनक्यूबेशन पीरियड, पैथोजन जाते ही हमारी बॉडी में डिजीज नहीं करते, होता क्या है कि एक बार जब हमारी बॉडी में आएगा, जैसे आज अगर आ गया फर्स्ट डे आ गया, तो कम से कम 3 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन 15 दिन का टाइम लगता है हमारी बॉडी में स्प्रेड होने में, तुरंत स्प्रेड नहीं हो सकता, इतना फैला हुआ है हमारे बॉडी का नेटवर्क अंदर कि ये फैल नहीं सकता कोई भी पैथोजन एक दिन में, एक घंटे में। अब ये वो टाइम पीरियड जिस दिन ये एंट्री किया उस दिन से लेकर के जब तक ये पूरा का पूरा डिजीज करने लायक या सिम्टम अपीयर ना करा दे, उसके बीच के पीरियड को बोलते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। द टाइम पीरियड बिटवीन एंट्री ऑफ पैथोजन एंड अपीयरेंस ऑफ देयर सिम्टम इज कॉल्ड इनक्यूबेशन पीरियड। जैसे पढ़े होगे इनक्यूबेशन पीरियड मलेरिया का 14 डेज का होता है, 7 to 14 days का होता है। सबसे ज़्यादा इनक्यूबेशन पीरियड HIV का होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशेंसी वायरस का होता है, 6 महीने से लेकर के 10 साल तक होता है। यानी कि आप आज HIV आया तो कुछ नहीं होगा, कल हमारे टेस्ट में भी नहीं आएगा। आज हमने कोई कंटामिनेटेड या इन्फेक्टेड नीडल अगर ले लिया, कल टेस्ट कराने जाएं HIV निगेटिव आएगा, 6 महीने के अंदर हो सकता है निगेटिव आए। हमारी इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो 6 महीने के बाद ही अपना सिम्टम क्रिएट करना शुरू करेगा, तो पता चलेगा HIV आ गया।
हो सकता है 6 महीना 7 महीना 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल बाद एपीआर होगा, लेकिन होगा जरूर एक बार एंट्री कर गया तो। सबसे लंबा इनक्यूबेशन पीरियड चलता है, तो वो टाइम पीरियड जिसके बीच में पैथोजन एंट्री करे और हमारी बॉडी में पूरा स्प्रेड हो, दैट इज कॉल्ड इनक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, पैथोजन हो गया। एक होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब कोई भी पैथोजन एक पर्सन से दूसरी पर्सन में कैसे ट्रांसफर हो रहा है, उसको बोलते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या क्या हो सकता है, तो हो सकता है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो, कंटामिनेटेड फूड और वाटर हो। ये भी हो सकता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो, हमारे नाक से जो कई बार क्या होता है कि जब कॉमन कोल्ड होता है या स्नीजिंग होने लगता है, तो स्नीज करते हैं या छींकते हैं खांसते हैं तो हमारे माउथ से या नाक से मतलब क्या कहते हैं म्यूकस के फुहारे या ड्रॉप्स निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो ये क्या हो सकता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो सकता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो सकता है। एस्पूटम हो सकता है, कफ जो निकलता है खांसते वक्त बलगम निकलता है, एस्पूटम बोलते हैं, एस्पूटम हो सकता है। क्या हो सकता है, फूड एंड वाटर हो सकता है, फूड एंड वाटर हो सकता है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो सकता है, इन्फेक्टेड नीडल हो सकता है, कई चीज़ें हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो ये कुछ कॉमन क्या कहते हैं टर्म्स थे जो आपको आगे मिलेंगे, अभी भी टर्म आगे जो मिलेंगे उसको मैं बताते रहूँगा जहाँ जहाँ। ये मेन था इंट्रोडक्टरी। इंट्रोडक्टरी में अब इसको हम एक एक डिजीज का, ह्यूमन डिजीज कौन कौन से कॉमन ह्यूमन डिजीजेज हैं, एक एक डिजीज का हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। अभी तो जो जो एनसीईआरटी में उसको मैं एक बार करा देता हूँ, इसके बाद जो एक्स्ट्रा बचेगा, चूँकि टाइम कम है, टेस्ट जल्दी होने वाले हैं, तो जो टाइम बचेगा आगे फिर उसको मैं एक्स्ट्रा करा दूँगा। अभी इंट्रोडक्शन है ये, अगले लेक्चर से ह्यूमन डिजीज की एक एक एक्सप्लेनेशन देते हैं। ओके, दैट्स ऑल।